हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों, आज की पहली पहेली है, एक दिन कविता को उसी के ही घर में कोई मार देता है। कविता के अलावा उसके घर में 3 लोग रहते थे, उसका बड़ा भाई सुरेश और उसकी छोटी बहन मान्या और उसका छोटा भाई दिनेश। तीनों देखते हैं कि किसी ने कविता को मार दिया है, तो तभी वहाँ पर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और इंस्पेक्टर तीनों भाई बहनों से पूछताछ करते हैं। उनसे एक एक करके पूछते हैं, तुम में से किसने कविता को मारा है? तो तीनों भाई बहन एक एक करके इंस्पेक्टर को जवाब देते हैं। सबसे पहले कविता का बड़ा भाई पुलिस से कहता है कि मैं टीवी देख रहा था अपने कमरे में, मुझे नहीं पता किसने कविता को मारा है। कविता की बहन मान्या बताती है कि मुझे तो पैर में मोच आ गई थी, मैं अपने रूम में आराम कर रही थी, मुझे नहीं पता किसने कविता को मारा है। और उसका छोटा भाई दिनेश कहता है कि मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, मुझे नहीं पता किसने कविता को मारा है। इंस्पेक्टर तीनों भाई बहनों की बात सुनते हैं और समझ जाते हैं कि किसने कविता को मारा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से किसने कविता को मारा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाएगी इन तीनों में से किसने कविता को मारा है? दोस्तों, इन तीनों में से कविता की बहन मान्या ने कविता को मारा है। आइए देखते हैं कैसे। मान्या इंस्पेक्टर को बताती है कि मेरे पैर में मोच आ गई थी, तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मान्या के पैर में अगर मोच थी तो इस समय मान्या अपने पैरों में इतनी हाई हील वाला सैंडल कैसे पहनकर आई है? पैर में मोच आने के बाद इतनी हाई हील वाला सैंडल पहनकर आई है, ये कैसे हो सकता है? यानी कि इसके पैर में कोई मोच नहीं है, ये इंस्पेक्टर को झूठ बोल रही है और इसी ने ही कविता को मारा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप इसका सही जवाब पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है, काव्या एक बहुत ही शर्मीली स्वभाव की लड़की है। वो किसी भी लड़के से आमने सामने बात करने में डरती है। एक दिन उसकी दोस्त उससे फ़ोन करती है और बताती है कि तुम किसी लड़के से आमने सामने बात करने में डरती हो, तो तुम क्यों ना सोशल मीडिया पर लड़कों से चैट करो, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा लड़कों से बात करने का। तो फिर काव्या सोशल मीडिया पर लड़कों को सर्च करती है, तो उसे 3 लड़के बहुत पसंद आते हैं जिससे वो चैट करना चाहती है। लेकिन काव्या सोचती है कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत से फेक अकाउंट्स भी हैं, कहीं ये 3 लड़कों में से कोई फेक अकाउंट वाला लड़का तो नहीं है। काव्या 3 लड़कों की प्रोफाइल चेक करती है। सबसे पहले काव्या माधव की प्रोफाइल चेक करती है, जिसकी एज 26 की है, और वो कहता है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। दूसरा लड़का है केशव, जिसकी उम्र 30 साल है, और वो कहता है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तीसरा लड़का है वंश, जिसकी एज 24 साल है, और वो कहता है कि मुझे धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद है और 2018 में मैं कुंभ मेले में भी गया था। काव्या को लगता है कि इन 3 लड़कों में से कोई एक फेक है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कौन फेक है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इन 3 लड़कों में से कौन सा लड़का फेक है? दोस्तों, इन 3 में से वंश नाम का लड़का फेक है।
क्योंकि वंश लिखता है कि मुझे धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद है और 2018 में मैं कुंभ मेले में भी गया था। 2018 में तो कुंभ मेला लगा ही नहीं था। कुंभ मेले का आयोजन तो 2019 में हुआ था, इसीलिए वंश की प्रोफाइल फेक है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये एक बॉलीवुड मूवी का नाम है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी बॉलीवुड मूवी है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये कौन सी बॉलीवुड मूवी है? दोस्तों, ये बॉलीवुड मूवी है दिल धड़कने दो। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। हमारी आज की अगली पहेली है। दोस्तों, चलिए एक बात सोचिए। आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक बहुत ही विशाल समुद्र है और उस समुद्र के बीच में आपके मम्मी पापा और आपकी दो बहनें और आपके दो भाई फंसे हुए हैं। आप इन सभी में से सबसे पहले किसे बचाएंगे? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि आप इन सभी में से पहले किसे बचाएंगे? दोस्तों, आपको इन सभी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि आप सोचिए कि एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं। आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सच में ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे हैं, तो आपको किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है 24 तीलियां। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं खुशी रॉय, आनंद राठी, हर्ष विश्वकर्मा, धनी राम, काशी सिंह, हिमांशु राज और मामोनी। दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए हमें कमेंट करके बताइए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।